शंकरलाल, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं उसे गलत साबित नहीं कर पाया। मुझे मुझे माफ कर देना। अरे भिड़े ऐसा मत बोल, तूने कुछ गलत नहीं किया है, तू निर्दोष है। तो क्या हुआ वो प्रोफेसर खोटे ने जब तुझे बोला ना कि मेरी कैबिन में सिर्फ तुम अकेले आओगे और कोई नहीं आएगा, तभी मुझे थोड़ा शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके ये मेरा मोबाइल तेरे कुर्ते के जेब में छोड़ दिया। अरे भाई भिड़े, तू सच्चा है ना? 100%। हाँ तो फिर तू डरता क्यों अंदर जाने से? जा। अरे कर नहीं, तेरा डर कशाला? मग जावा। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पढ़ी है? देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है। सांगो ना, चलो मान लिया गलती हमारी है, इसलिए आपको 1,00,000 रुपया दे देते। अरे बात समझने की कोशिश करो ना तुम। हाँ, अरे मैं मानता हूँ मैंने खून किया है। हाँ हाँ, मैंने खून किया है, उसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माता जी, टप्पू के पापा ये कैसा पुलिस स्टेशन है? इस पप्पू से खुद खूनी है। चले चले, हम किसी और दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। अरे भाई, रेडीमेड कपड़े की दुकान में थोड़ी आया है कि यहाँ नहीं, चलो बाजू की दुकान में, किसी और दुकान में से ले लेते हैं। और दया भाभी, कानून का एक तरीका होता है, हम जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी पड़ती है। हाँ हाँ, पर रिपोर्ट किसको लिखा है? यह तो इंस्पेक्टर साहब खुद खूनी है। एक मिनट मैडम, ये क्या बोल रही हैं? किसने बोला मैं खूनी हूँ? आपने अभी फोन पे बात की ना कि मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, मैंने खून किया है। अरे ये तो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, उसकी कंप्लेंट है कि मैंने उसके अरमानों का खून किया, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ मैंने खून किया है, बस। ओ अच्छा, वैसे वैसे तो टप्पू के पापा आपने कई खून किया नहीं? हाँ तो कहिए, आप लोग यहाँ क्यों हैं? हाँ वो इंस्पेक्टर साहब, ये अन्याय है। इतनी सुंदर लड़की को आपने लॉकअप में क्यों रखा? वो लड़की, उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो उसने एक लड़के का किडनैप कर लिया अपनी शादी के लिए। लेकिन पकड़ी गई। काश मुझे किडनैप करते ही। वो पटलाल, हम लोग यहाँ किस मैटर के लिए आए हैं और तुम किस मैटर की बात कर रहे हो भाई? कंट्रोल योर इमोशंस बुड़बक। क्या हो रहा है ये? सॉरी सर, सॉरी। कंप्लेंट किया आप लोगों की? वो दरअसल तो बता। हाँ, दरअसल कंप्लेंट ये है कि वीआर खोटे क्लासेस है ना? हाँ हाँ, मैंने भी सुना उसके बारे में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, वहाँ के कई बच्चे टॉप आते हैं। हाँ उसी के बारे में कंप्लेंट है। अरे बच्चे टॉप आते हैं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी बेटी सोनू, ये पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी बच्ची टॉप आई है, तो इसमें कंप्लेंट करने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, कंप्लेंट वो नहीं है इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ। अरे तो शिक्षक होना कोई गुनाह नहीं है। सर मैं बताता हूँ, ये मेरी फ्रेंड सोनू, ये पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है और ये किसी क्लासेस में नहीं जाती, हम सबको भिड़े अंकल ही पढ़ाते हैं, लेकिन खोटे क्लासेस वालों ने उनका नाम ऊंचा करने के लिए सोनू का फोटो उनके बैनर में लगाया है और ये प्रचार किया है कि सोनू उनके वहां पढ़ी है। सही बात है। अच्छा तो आप लोगों का ये कहना है कि खोटे क्लासेस फ्रॉड है। थैंक यू टप्पू, थैंक यू। वेलकम। एक होनहार प्रतिभाशाली स्टूडेंट का फोटो लगाकर वो खोटे क्लासेस पब्लिक को ये बताना चाहती है कि उनके यहाँ इस तरह के ब्रिलियंट स्टूडेंट तैयार होते हैं। हाँ। इस बात का कोई सबूत है आप लोग के पास? हाँ, जी, जी, हाँ। वो
ये भिड़े और प्रोफेसर खोटे की बातचीत का रिकॉर्डिंग है ओके। वो प्रोफेसर खोटे भिड़े को अलग से केबिन में लेके गए, हम लोग मिलने गए ना तभी, और उसमें उसने भिड़े को धमकी वमकी दी। और सुनो आप देखो, आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पढ़ी है? भाई तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी। तो मैं पुलिस में जाऊंगा। जाओ जाओ पुलिस के पास जाओ, जो पैसा मैंने तुमको ऑफर किया है मैं उनको ऑफर कर दूंगा। सुना आपने? सुना, आपको भी पैसे खिलाने की बात कर रहा था वो। निर्लज्ज तो साहब याद रखना, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। ये प्रूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बैंक के अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए। मैं सबको खरीद सकता हूँ। ये तो बहुत अहम सबूत। हाँ? प्रोफेसर तो वाकई बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। इसकी रिकॉर्डिंग करके वाकई आप लोगों ने बड़ी होशियारी का काम किया। थैंक यू। इस तरह जनता जब कानून की मदद करती है तो हम पुलिस वालों की शक्ति दुगनी हो जाती है। ये सब टप्पू के पापा का कमाल है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं भाई, उसमें थैंक यू क्या भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ खाली। सब कमाल ऊपर वाले की है, वो टाइम पे ऐसा सुझाया मुझे सब। इस रिकॉर्डिंग की मदद से उस प्रोफेसर खोटे की अकल ठिकाने पर आ गई। समझता क्या है, हम पुलिस वालों को खरीद सकते हैं। बेटा अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए भी आना पड़ेगा। मैं जरूर आऊंगी। तो चलिए फिर अभी चलकर उस खोटे की खबर लेते। बापू जी मैं क्या कहता हूँ, सबको उधर खोटा क्लास में आने की जरूरत नहीं है। तो आप बच्चे और दया और मधु भाभी आप लोग सोसाइटी में वापस जाओ, हम लोग जाते हैं क्लास में। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। बराबर बराबर है, ठीक है। सबको ऑल बेस्ट। उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। हेलो। अरे खोटे बोल तो है। खोटे खोटे सा फोन। अरे खोटे अब तू गया, हम तेरे पास ही आ रहे हैं। क्या तू रत्नागिरी आ रहा है? रत्नागिरी? वो ये रत्नागिरी के खोटे का फोन है मेरा दोस्त। सॉरी सॉरी। अरे सॉरी सॉरी भाई। अरे भाई तू पहले अपना सरनेम चेंज कर भाई, तेरे सरनेम की वजह से यहाँ पे सर में दर्द होने लगा है। अरे काय झालं? अरे यहाँ पे एक दूसरे खोटे से मेरा पाला पड़ गया है। अरे हाँ, अब मुझे मुंबई से फोन आया, उन्हें सोनू को खोटे क्लास में पढ़ा है। अरे क्या, अरे तू शिक्षक होके ऐसा काम किया? अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। सोनू को मैंने ही पढ़ा है। मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, अब तुम सिर्फ इतना याद रखो कि मैं निर्दोष हूँ। हाँ हाँ चल बाय बाय। अरे कमाल है, बात गांव तक फैल गई है। लोगों का अफवाह फैलाने में कितना मजा आता है, गांव तक फैला दिया अफवाह। अरे अरे तो ये है खोटे काम करने वाला खोटे क्लास। अभी खबर लेता हूं इसकी। ये लोग कहां रह गए? हेलो हेलो सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग। हाँ बोलो नटू काका। नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गडा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ बोलो सेठ जी। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया? दूध पानी क्या? मिल्क एंड वाटर। दूध और पानी क्या? दूध और पानी क्या? अरे सेठ जी वो आप खोटे क्लासेस में जाने वाले थे ना, सच और झूठ का पता लगाने को, दूध का दूध और पानी का पानी करने को। वो पूछ रहा हूँ वो हो गया? हाँ हो गया नटू काका, हो गया। हाँ, कल रात से मैं और भागा बहुत टेंशन में थे। अरे पता है सेठ जी, कल रात को इस टेंशन के मारे भागा ने खाना भी नहीं खाया। नहीं, डबल खाया। पद्मावती भोजनालय वालों को भी डाउट गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा सेठ जी, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ कैसे, वो तो आपने बताया ही नहीं, वो तो बताइए। अरे नटू काका बहुत लंबी कहानी है। मैं तो सेठ जी क्या हुआ, बात तो अधूरी रह गई। ओ, क्या हुआ जेठापरा? अरे मेरा मोबाइल गिर गया जरा, इससे चलो भाई गाड़ी। और इसमें सबूत है। जेठालाल
आगे क्या भागे क्या रे सर रुक जा मोबाइल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए टुकड़े टुकड़े क्या यार मोबाइल का तो मां भी नहीं बचा गया सबूत हाथ से तो यो इंस्पेक्टर सबूत मांगेगा तो क्या सुनाएंगे उसे कैसे साबित करेंगे कि भीड़ सच्चा है नहीं कानून अंधा होता है सिर्फ सबूत पर यकीन करता है सही बात है इकलौता सबूत था वो भी गया अब उसके बगैर हम खोटे से कैसे लड़ेंगे तो अब क्या करें खोटे क्लास जाएं जान ना जाएं नहीं नहीं भाई कोटे क्लास तो जाना ही पड़ेगा वहाँ इंस्पेक्टर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे वहाँ चल के उनको सारी सिचुएशन सच सच बता देते हैं और क्या चलो चलो भाई चल एक मिनट एक मिनट कुछ नहीं बचा है उसमें केला केला तो केला रे केला केला तो बड़े हिम्मत रखो बड़े और मैं क्या कहती हूँ अब तक तो हमारे पति देव ने वो प्रोफेसर को पहले ही बोल में आउट कर दिया होगा यस करेक्ट मुझे तो लगता है कि हमारे पतियों के साथ इंस्पेक्टर को देख के उस चीतर खोटे का तो मुंह ही उतर गया होगा अब तक तो उसने माफी भी मांग ली होगी हाँ और आज के बाद ना वो ऐसा गलत काम करने का कभी सोचेगा भी नहीं बराबर हाँ, मैं वहाँ जाती ना तो इंस्पेक्टर को बोलती खोटे का मुंह काला करके उसको गधे पे बिठा के उसके ही एरिया में घुमाओ नहीं नहीं माधवी भाभी गधे को उस पे बिठाना चाहिए बेचारा गधा भी उसका वजन सहन करे ये तो मेरे ध्यान भी नहीं आया बेचारा गधे का क्या दोष ना बराबर है कोमल भाभी जैसे भगवान राम ने रावण को हराया था और जब वापस लौटे तब सब लोगों ने दिवाली मनाई थी तो हम लोग भी इनका स्वागत ऐसे ही करेंगे क्या तो अरे तो चलो चलो आरती की थाली तैयार करते हैं क्योंकि चाचा जी और बच्चे फूल लेकर आते ही होंगे राइट हाँ चलिए चलिए आज तो गोपालधाम सोसाइटी में विजयादशमी मनाई जाएगी अरे कहाँ रह गए थे आप लोग इस प्रोफेसर खोटे को सजा दिलानी है कि नहीं लेकिन वो अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं चलिए आइए आप लोग इंस्पेक्टर साहब वो अरे कब से राह देख रहा हूँ आप लोगों की चलिए आइए आप लोग मेरे साथ अरे इंस्पेक्टर साहब सर इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ पे क्या क्या बात है कोई गड़बड़ है कोई गड़बड़ नहीं बहुत गड़बड़ है हमें पता चल चुका है कि तुम्हारा प्रोफेसर बहुत बड़ा फ्रॉड है देखो बनाता है लोगों को सही बात है कैसे पता चला सर मतलब कैसी बात कर रहे हैं सर तुम्हारा मालिक है बुलाओ उसको जी अभी बुलाता हूँ अरे इंस्पेक्टर साहब आप या, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब आपके बच्चों का एडमिशन करवाना है निर्लज्ज मानुष है एडमिशन मेरे बच्चों का नहीं बल्कि तुम्हारा होगा और वो भी लॉकअप में तुम्हारा भांडा फूट चुका है मिस्टर वी आर खोटे हम तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए हैं किस लिए ऐसा क्या किया है मैंने इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर खोटे
इस भिड़े ने कंप्लेंट की है कि इनकी बेटी सोनू आपकी क्लासेस में नहीं पढ़ी, फिर भी पब्लिसिटी पाने के लिए आपने इनकी बच्ची का फोटो अपने क्लासेस के बैनर पे लगा दिया। पब्लिक के साथ चीटिंग करते हैं आप। राम 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 आत्मा राम। भिड़े दोस्त कुणाला सांगू नका, तुमने ऐसी झूठी कंप्लेंट क्यों की? कोई झूठी कंप्लेंट नहीं की इन्होंने, इस बात का सबूत हमारे पास। जब तुम मिस्टर भिड़े को धमकी दे रहे थे ना, तब इन्होंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्यों मिस्टर खोटे, उड़ गए तोते? जेठालाल इनको रिकॉर्डिंग सुनाओ। अबे साहब जाना दाना है, छोटे छोटे बात में क्या झगड़ा करने का, जाना दाना। हाँ बराबर है, ये कोई छोटी बात नहीं है जेठालाल। जो घिनौनी हरकत इसने की है उसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। मोबाइल निकालो, वो इसको सजा तो दिला के ही रहूंगा मैं। मोबाइल नहीं है साहब। नहीं है मतलब? मतलब अभी रास्ते में आते आते बेच दिया? नहीं नहीं, वो मेरी दुकान से फोन आया था तो वो बात करते करते मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और टूट गया। क्या? इसे कहते हैं किसी जहाज का किनारे पे आके डूब जाना या किसी परीक्षार्थी का सिर्फ एक अंक से फेल हो जाना। काम हो रहा है और काम न हो, भाई यही हुआ है गोकुलधाम निवासियों के साथ। वो मोबाइल जिसमें रिकॉर्डिंग थी भिड़े से खोटे की बातचीत की रिकॉर्डिंग, जो सबूत था भिड़े के खिलाफ, वही रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल नष्ट हो गया, टूट गया। अब क्या जवाब दें पुलिस वालों को? साहब हम गोकुलधाम वासियों की किस्मत ही खराब है, कोई काम हो रहा हो तो नहीं होता। अब क्या कहेंगे हम पुलिस वालों को? खोटे को सजा दिलवाने में क्या हम लोग कामयाब होंगे? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन हर जवाब होगा हंसी के साथ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।